अगर आपके पिक्सल लैब ऐप में ये प्रॉब्लम आ रहा है, आप अपना खुद का PLP फाइल बनाकर किसी को शेयर करना चाहते हैं बट आपका जो है PLP फाइल फाइल मैनेजर में शो नहीं कर रहा है, इसके अलावा किसी दूसरे का PLP फाइल है उसे आप पिक्सल लैब में ऐड करके यूज करना चाहते हैं बट यहाँ पर जो है PLP फाइल शो नहीं कर रहा है आपके पिक्सल लैब में और ऐड नहीं हो रहा है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन बताने वाला हूँ। ये प्रॉब्लम क्यों आता है इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। वो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर, जैसे कि मान लेते हैं प्रोजेक्ट हमने बनाया है, अब इसका जो है PLP फाइल बनाकर हमें शेयर करना है, तो इसके लिए यहाँ पर इस पर क्लिक करके सेव एज प्रोजेक्ट पर क्लिक करके एक नाम हम अपने प्रोजेक्ट का इंटर करते हैं, उसके बाद ओके ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, तो हमारा जो प्रोजेक्ट है PLP फाइल वह सेव हो चुका है। अब इससे फाइल मैनेजर में सेव करने के लिए यहाँ पर जो शेयर का आइकन है इस पर क्लिक करना होता है, यहाँ पर नीचे शो करता है कि फाइल मैनेजर में सेव हो चुका है बट यहाँ पर फाइल मैनेजर में नहीं दिखता है, सेव नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ऐड नहीं हुआ है, यहाँ पर ओपन PLP फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं और PLP के ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर पिक्सल लैब का जो फोल्डर है इसे हम ओपन करते हैं, उसके बाद यहाँ पर प्रीसेट के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 1-1 जो नाम है इसी नाम से हमने अपना प्रोजेक्ट बनाया था, इस पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर शो नहीं कर रहा है बट यहाँ पर PLP फाइल बन गया होता तो यहाँ पर जो पिक्सल लैब का आइकन देखने को मिलता, मतलब यहाँ पर हमारा जो PLP फाइल है वो बना रहे बट फाइल मैनेजर में सेव नहीं हो रहा है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम यह है, किसी का PLP फाइल है उसे हम ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऐड नहीं हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ पर किसी दूसरे का जो है यहाँ पर PLP फाइल है, PLP फाइल में यहाँ पर PLP फाइल है बट यहाँ पर शो नहीं कर रहा है, इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बताने वाला हूँ। तो बात करती है प्रॉब्लम क्यों आता है, यहाँ पर पिक्सल लैब जो हमने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया हुआ है, प्ले स्टोर पर जो पिक्सल लैब है वो लेटेस्ट वर्जन है जो कि हर किसी के मोबाइल में वर्क नहीं करता है, तो आपके मोबाइल में भी इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा था, इसका मतलब है आपके मोबाइल में वर्क नहीं कर रहा है। तो इसका सिंपल सोल्यूशन है, जो पहले से आपके मोबाइल में है उसे आप अनइंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल करने से पहले आपको ध्यान देना है जो प्रोजेक्ट आपने बनाया था वह डिलीट हो जाएगा, ये आपको ध्यान देना है। तो सबसे पहले जो पिक्सल लैब एप्लीकेशन आपने प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया है इसे आपको अनइंस्टॉल कर देना है, अनइंस्टॉल करने के बाद यह पिक्सल लैब मैं आपको दूंगा, इसे कैसे डाउनलोड करेंगे आगे मैं आपको बताऊंगा। यह पिक्सल लैब आपके मोबाइल में वर्क करेगा क्योंकि यह मेरे मोबाइल में वर्क कर रहा है तो आपके मोबाइल में भी वर्क करेगा। तो सबसे पहले मैं ओपन करके दिखाता हूँ प्रॉब्लम फिक्स हुआ या नहीं। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक प्रोजेक्ट हमने बनाया और इसका जो है PLP फाइल बनाकर यहाँ पर शेयर करना है, तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम इंटर करके सेव करते हैं, 8090 यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नाम इंटर किया, ओके के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर माई प्रोजेक्ट पर क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट बना हुआ है, शेयर के आइकन पर क्लिक करेंगे फाइल मैनेजर में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पर हम कैंसिल करते हैं और बैक आकर फिर से ओपन करके देखते ऐड हुआ या नहीं, PLP फाइल अगर बन चुका है और फाइल मैनेजर में सेव हुआ है तो ऐड हो जाएगा। फिर से पिक्सल लैब एप्लीकेशन ओपन करते हैं, यहाँ पर कैंसिल के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अब उसे हम ऐड करके देखते हैं, जो PLP फाइल हम बनाते हैं यहाँ पर वह पिक्सल लैब के फोल्डर में देखने को मिल जाता है, इसे हम ओपन करते हैं। तो अभी जो हमने बनाया था PLP फाइल यहाँ पर शो कर रहा है और ऑलरेडी जो पहले से बना हुआ है PLP फाइल वो अभी यहाँ पर देखने को मिल गया है, इसका मतलब ये पिक्सल लैब वर्क कर रहा है। तो 8090 ये PLP फाइल जो अभी हमने बनाया था यहाँ पर शो कर रहा है, इस पर हम क्लिक करेंगे, ओपन एंड ऐड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ऐड हो जाएगा। एक बार हम यहाँ से बैक आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो चुका है, और किसी दूसरे का जो है PLP फाइल आपने डाउनलोड किया है उसे भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो बात करते हैं पिक्सल लैब एप्लीकेशन कैसे डाउनलोड करेंगे, इसे आप क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने क्रोम ब्राउजर से डाउनलोड किया हुआ है, ये मेरे मोबाइल में वर्क कर रहा है तो आपके मोबाइल में भी वर्क करेगा बट यहाँ पर मैं डाउनलोड करने का तरीका क्रोम ब्राउजर से नहीं बता सकता क्योंकि यूट्यूब के रूल के खिलाफ है, बट ये एप्लीकेशन जो है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल पर मैंने अपलोड किया हुआ है तो वहाँ से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी आप मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी एप्लीकेशन मैं सेंड कर दूंगा,
इस वीडियो में हमने बात किया पिक्सेल एप्लीकेशन में पीएलपी फाइल सेव नहीं होता है और ऐड नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है और इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स करेंगे। इस प्रॉब्लम को फिक्स करना चाहते हो तो पिक्सेल एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इंस्टाग्राम पर आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। इसके अलावा क्रोम ब्राउजर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में।